हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस में। कोरोना वायरस अब भारत पहुंच चुका है। लोग इस वायरस को लेकर काफी डरे हुए हैं। हालांकि एयरपोर्ट से लेकर हॉस्पिटल, दवाइयां और लोगों के लिए मास्क का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसे लेकर अफरा तफरी का माहौल बनता जा रहा है। वहीं आपको बता दें, इसका असर बॉलीवुड में भी पड़ रहा है। कुछ स्टार्स को अपने इवेंट्स कैंसिल करने पड़ रहे हैं तो कुछ फिल्मों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखिए जरा, कोरोना वायरस की वजह से स्टार्स को किस तरह प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। नंबर वन, इवेंट्स हो रहे हैं कैंसिल। दीपिका पादुकोण को कोरोना वायरस की वजह से अपना एक बहुत बड़ा ट्रिप छोड़ना पड़ रहा है। दरअसल वो जल्द ही पेरिस जाने वाली थी पेरिस फैशन वीक के लिए, लेकिन उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से मना कर दिया है। नंबर टू, शादियों की डेस्टिनेशन चेंज। कई समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि डेविड धवन के लाडले वरुण धवन मई 2020 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से शादी करने वाले हैं, वो भी थाईलैंड में। लेकिन अब कहा जा रहा है कि दोनों ने थाईलैंड में शादी बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया है और वजह है कोरोना वायरस। नंबर थ्री, फिल्मों की शूटिंग हो रही है कैंसिल। रोनी स्क्रूवाला जल्द ही सितारा फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसमें सोबिता धुलीपाला नजर आएंगी। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग केरला में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल कर दी गई थी। आपको बता दें, फिल्म की डायरेक्टर वंदना कटारिया ने ही इंटरव्यू के दौरान इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था, हेल्थ कम फर्स्ट, सो द शेड्यूल हैज बीन स्लाइटली डिलेड फॉर नाउ। नंबर फोर, फिल्मों को भी होगा नुकसान। देखा जाए तो कोरोना वायरस की वजह से लोग पब्लिक प्लेस पर जाना अवॉइड कर रहे हैं, जिस वजह से थिएटर्स का रुख करना भी आपको भारी पड़ सकता है। आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में आने वाली है, लेकिन अगर देखने के लिए ऑडियंस ही नहीं होगी तो बॉलीवुड को नुकसान होगा। हाल ही में रिलीज हुई शुभ मंगल, ज्यादा सावधान और थप्पड़ जैसी फिल्मों ने शुरुआती दिनों में बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाया था, लेकिन अब धीरे धीरे इन दोनों फिल्मों के आंकड़े गिर रहे हैं और वजह बताई जा रही है जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस। आपको बता दें, कोरोना एक ऐसा वायरस है जो चीन के अलावा दुनिया के 70 देशों में पहुंच चुका है। वहीं कोरोना भारत के 6 राज्यों में दस्तक दे चुका है। यहां कुल 28 मामलों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। के बहुत सारे केसेस अपीयर हुए हैं, ये चाइना के एक प्रोविंस में आने शुरू हुए थे, लेकिन अभी 30 से ज़्यादा प्रोविंस में चाइना के अंदर आ गए हैं। और इस दौरान बहुत सारे चीन में ट्रेवल करने वाले लोग वो दुनिया के दूसरे देशों में भी गए और दुनिया के अन्य देशों में भी कहीं कहीं इसी वायरस के केसेस अपीयर हुए हैं। मैं भारत की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि भारत ने भारत के अंदर कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस का कोई भी दुष्प्रभाव ना हो, इसके लिए जितनी अधिक से अधिक सावधानियाँ ली जा सकती हैं उनको दुनिया में सबसे पहले लेना प्रारंभ किया। हमने इस बात की जानकारी आते ही सबसे पहले उन 7 बड़े एयरपोर्ट्स जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और कोची, इन 7 जगहों पर हर उस पैसेंजर की जो कि चाइना से भारत के अंदर आ रहा था इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेकर, उनकी एयरपोर्ट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग करनी शुरू की। थर्मल स्क्रीनिंग का अभिप्राय होता है कि हम एक स्कैनर में से पैसेंजर को गुजारते हैं और अगर उसके उसमें से निकलने पर उसका थोड़ा सा भी नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो पता लग जाता है और फिर उनकी डिटेल्ड हिस्ट्री भी ली जाती है। और अगर जहाँ पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है या उसको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं उस वायरस की इलनेस के, तो उसको आइसोलेट किया जाता है। उसकी जो आगे की ट्रेसिंग्स की जाती हैं, कॉन्टैक्ट्स उसके, उनको सर्विलेंस में रखा जाता है। तो मुझे ये बताते हुए आपको खुशी भी है, संतोष भी है कि हमारे सभी अधिकारियों ने और हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने
और जितने भी संबंधित दूसरे मंत्रालय हैं उनके सहयोग से, जैसे इसमें सिविल एविएशन मंत्रालय का भी बहुत महत्वपूर्ण हमें साथ मिला है, होम मिनिस्ट्री से भी हम लोगों ने सहयोग लिया है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से भी सहयोग लिया है, शिपिंग मिनिस्ट्री से भी सहयोग लिया है, और सभी एयरपोर्ट्स पे जो हमने काम 7 एयरपोर्ट्स पे शुरू किया था, अभी वो आने वाले समय में 20 एयरपोर्ट्स पे एक या दो दिन के अंदर इस स्क्रीनिंग को और ज़्यादा हम बढ़ा देंगे, और लगभग 35,000 देश के अंदर 35,000 से ज़्यादा पैसेंजर्स को स्क्रीन किया जा चुका है। 20 ऐसे पैसेंजर या सर्वेलेंस के दौरान पाए गए कॉन्टैक्ट जिनकी हिस्ट्री में कोई भी चाइना के ट्रेवल से लिंक था, सिम्टम्स थे, और वो शायद जिस समय स्क्रीनिंग शुरू हुई उसके पहले चीन से आ चुके थे, उनके भी हमने जो है सैंपल्स को टेस्ट किया है, उनको आइसोलेट किया है, वो सभी हमें नेगेटिव मिले हैं। देश में NIV पुणे के बाद 4 और स्थानों पर वायरस के टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज क्रिएट कर दी गई हैं 4 लैब्स में, और आने वाले कुछ ही दिनों में ये 10 स्थानों पर वायरस को टेस्ट करने की फैसिलिटीज होंगी। सभी ऐसे संबंधित शहरों में हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन के लिए अच्छे क्वालिटी के, जरूरत पड़ने पर ट्रीटमेंट के लिए, उनको सर्वेलेंस में रखने के लिए स्पेशल बेड्स क्रिएट कर दिए गए हैं। 3-4 दिन पहले ही हमने अपने हेल्थ मिनिस्ट्री से सभी 7 बड़े एयरपोर्ट्स वाले शहरों में यहाँ से 3-3 एक्सपर्ट्स की टीम्स को यहाँ से बनाकर भेजा है, जो एयरपोर्ट पर जो कुछ चेकिंग हो रही है उसकी भी सारी क्वालिटेटिव टेस्टिंग कर रहे हैं, अस्पताल में जो फैसिलिटीज क्रिएट की गई हैं उनकी भी सब प्रकार की जानकारियां ले रहे हैं, और इसके साथ साथ हमने एक कंट्रोल रूम का नंबर, जिसको हेल्पलाइन नंबर है, उसको भी एस्टैब्लिश किया है। लैंडलाइन नंबर है ये 2397-8046, मैं हिंदी में भी बताता हूँ, 2397-8046। इसकी बराबर सोशल मीडिया पे, अखबार से और भी जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं उनसे लगातार प्रचार हो रहा है। इस विषय पर हमारा सभी देशवासियों से अपील है कि अगर कोई भी आपके ध्यान में है कि उसका चाइना के साथ 1 महीने के अंदर ट्रेवल की कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, कोई चाइना से आया है उसके साथ कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, और ख़ासकर आपको सिम्टम्स महसूस होते हैं, सिम्टम्स यानी कि आपको कोई बुखार महसूस होता है, जुखाम महसूस होता है, गले में कोई तकलीफ़ महसूस होती है, खांसी महसूस होती है, सांस की तकलीफ़ महसूस होती है, तो आप संकोच मत करिए। आप अगर हमें हेल्पलाइन नंबर पर इन्फॉर्म करेंगे तो हम आपका टेलीफोन नंबर लेके अपने सर्वेलेंस ऑफिसर्स की मदद से आपका चेकअप इत्यादि कराने के लिए आपको सही गाइडेंस देंगे, सही स्थान पर आपको भेजने के लिए। यानी कि यू प्लीज़ हेल्प अस सो दैट वी कैन हेल्प यू, इस सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए इस और भी ज़्यादा संतोष हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस विषय को बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। पिछले सप्ताह में 26 जनवरी की व्यस्तता के बावजूद 25 जनवरी को उनके ऑफिस ने, उन्होंने खुद सारे सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसको मॉनिटर किया है। हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो लगातार इसको सारे सरकार के ऑफिसर्स के साथ मॉनिटर कर रहे हैं।